नड्डा पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण उन्होंने किया और उसके बाद बीजेपी चुनाव प्रभारी और सब प्रभारियों की बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहा है दिल्ली से। थोड़ी ही देर में बैठक भी शुरू होगी। आपको बता दें कि संत रविदास के चित्र पर यहाँ पर जेपी नड्डा ने माल्यार्पण किया है और थोड़ी ही देर में चुनाव प्रभारी और जस प्रभारियों की बैठक है वो भी शुरू हो जाएगी। तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, आप जेपी नड्डा को देख पा रहे हैं जो कि पहुंचे और उन्होंने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण किया है और चुनाव प्रभारी और सब प्रभारियों की बैठक भी लेंगे और थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और जेपी नड्डा थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि चुनाव प्रभारी और सब प्रभारियों की बैठक लेंगे जिसमें वो जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे कि कैसे आने वाले दिनों में चुनाव है तो उसको लेकर के रणनीति बनाया जाए, इसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होनी है। और लोकसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी का महामंथन होने वाला है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मिशन 370 को लेकर के सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी के लिए 370 से ज्यादा और एनडीए के लिए 400 पार की रणनीति पर इस बैठक में मंथन होना है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और देखिए अभी थोड़ी ही देर में ये बैठक भी शुरू होने जा रही है जिसमें चिंतन और मंथन जाएगा क्योंकि कुछ ही दिन बाकी है जब लोकसभा का चुनाव होना है। उससे पहले लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और देखिए जो तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही है उसमें लगातार बीजेपी का महामंथन होने वाला है यह भी कहा जा रहा है और कई दिनों से लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मिशन 370 को लेकर के सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक जेपी नड्डा लेने जा रहे हैं और पार्टी के लिए 370 से ज्यादा और एनडीए के लिए 400 पार की रणनीति पर इस बैठक में मंथन होने जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर अब लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में देखने को मिल रहा है और देखिए कल भी अपडेट निकल करके सामने आई थी कि जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब उसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। तमाम जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो बैठकों का दौर लेते हुए दिख रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बैठकों का दौर लेते हुए नजर आए। अब जेपी नड्डा भी सह प्रभारियों की बैठक लेंगे और वहां पर चिंतन मंथन किया जाएगा क्योंकि लगातार पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार जीत हासिल की जाएगी और एनडीए 400 के पार, ये भी बात कही जा रही है। तो लगातार देखिए चिंतन और मंथन हो रहा है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है तो ये बैठक दिल्ली में होगी और अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे और संत रविदास की चित्र पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और इसके बाद से ही ये बैठक भी शुरू होने जा रही है। तो दिल्ली में मंथन किया जा रहा है और जितने भी चुनाव प्रभारी है उनके साथ जेपी नड्डा बैठक लेंगे, साथ ही साथ जानने की भी कोशिश करेंगे कि कौन से राज्यों में कहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं, फीडबैक लिया जाएगा और साथ ही साथ जेपी नड्डा जीत का भी मंत्र आज कार्यकर्ताओं को देंगे। सभी जो प्रभारी इसमें शामिल होंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आने वाले दिनों में रणनीति बनाई जाए ताकि बूथ स्तर पर जो है कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पर जाकर के किस हिसाब से योजनाएं जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वो आम जनता तक पहुंचाया जाए ताकि इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिले। तो कोटा के सरकारी स्कूल में धर्मांतरण के मामले से निलंबित शिक्षकों से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि निलंबित शिक्षकों पर पीएफआई से जुड़े होने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। पीएफआई और पाकिस्तानी संगठन दावत-ए-इस्लामी से जुड़े होने के आरोप के बाद अब कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूल में बच्चों पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाने वाले दो टीचर को निलंबित कर दिया था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि स्थानीय लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से ये बताया था कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को जबरन नमाज पढ़ाने और धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई की गई। तो सरकारी स्कूल में धर्मांतरण का ये मामला सामने आया और लगातार अब देखिए जो है प्रदर्शन भी देखने को मिला, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया और स्कूल में लव जिहाद धर्मांतरण के भी आरोप लगाए गए थे।
तो सांगोद के पास खजूरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम में इस्लाम लिखने के मामले में शिक्षा मंत्री बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद व्यथित हूं और अब तक जो जांच हुई उससे सामने आया है कि ये सब कुछ जानकार और षड्यंत्र पूर्वक किया गया, लेकिन ऐसे शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी निलंबन की कार्रवाई की गई है, आगे बर्खास्त किया जाएगा। हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम के आगे मुस्लिम लिखना बेहद चौंका देने वाला मामला, और इस मामले के खुलासे के साथ पूरा की पूरा शिक्षा विभाग अब सवालों के घेरे में है। हालांकि इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब हमारे साथ में। दिलावर साहब, बहुत हैरान कर देने वाला मामला, आपने गंभीरता से लिया, 3 शिक्षकों पर कार्रवाई कर दी। ये गंभीर विषय था ही, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का करना, एक हिंदू छात्रा के आगे धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिख देना, ये जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है। और फिर धर्मांतरण कराने का प्रयास करना, जबरदस्ती नमाज पढ़ाना, लव जिहाद का षड्यंत्र रचना, ये सब गंभीर विषय है। मैं इससे व्यथित हूँ, बहुत परेशान भी हूँ कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बहुत कष्ट हुआ ये सब सुन करके, देख करके। जांच रिपोर्ट ने भी इस बात को माना है, पुष्ट किया है कि षड्यंत्र जानबूझ करके रचा गया और किया है। मैंने अविलंब बहुत सख्त कार्रवाई की है और षड्यंत्रकारी शिक्षकों को। सहसपुर किसान सेवा सहकारी समिति, देहरादून उत्तराखंड। गंभीरोपेट प्राथमिक कृषि ऋण समिति, राजन्ना सिरिसिला तेलंगाना। खिलपाड़ा प्राथमिक कृषि ऋण समिति, गोमती त्रिपुरा। तथा सिला मराथुपट्टी प्राथमिक कृषि ऋण समिति, तेनी तमिलनाडु शामिल है। पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण इकाइयां, कस्टम हायरिंग केंद्र आदि की सुविधा किसानों को उनकी उपज के उचित दाम दिलाने में मददगार साबित होंगे और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गोदाम निर्माण का शिलान्यास। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 500 पैक्स में गोदामों सहित विभिन्न अन्य प्रकार की कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 200 पैक्स में NBCC तथा 300 पैक्स में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF द्वारा इन अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो सभी पैक्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पैक्स स्तर पर पर्याप्त अन्न भंडारण क्षमता के निर्माण से फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में भी मदद मिलेगी, जिससे किसान बेहतर कीमतें अर्जित कर सकेंगे। और दिव्य सज्जनों, अब हम सभी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को, उनकी अंतर्दृष्टि और हम सभी के लिए दिशा निर्देश के इच्छुक हैं, तो आप सभी की पुनः करतल ध्वनि के बीच मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूं, उनसे निवेदन करती हूं हमें संबोधित करने के लिए। आमंत्रित हैं उनके मार्गदर्शन के लिए। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह, कैबिनेट में मेरे साथी अर्जुन मुंडा, श्रीमान पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सहकारी समितियों के पदाधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों,
आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अल्पा नाम अपि वस्तु नाम, अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संहति ही कार्य साधिका, अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकार की यही स्वतंत्र स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त व्यवस्था काम करती रही है। सहकार ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता की ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है।
ये देश की अर्थव्यवस्था के खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। एक अलग मंत्रालय के जरिए हम देश के इस सामर्थ्य को और कृषि क्षेत्र की बिखरी हुई इस ताकत को ही एकत्र करने का भी ये भगीरथ प्रयास है। किसान उत्पाद संघ एफपीओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है। एफपीओ के माध्यम से आज गांव के छोटे किसान भी उद्यमी बन रहे हैं, अपने उत्पादों को विदेशों तक निर्यात कर रहे हैं। तो 11 पैक्स परियोजनाओं की सौगात और ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता को दी है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोटा के सिंधी कॉलोनी इलाके में किराना व्यापारी के साथ 2 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है और 2 दिन पहले हुए इस वारदात के मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। आपको बता दें कि 2 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने व्यापारी की स्कूटी रुकवाई और धक्का देकर के पैसों से भरे बैग को लूट करके फरार हो गए। बदमाशों ने चंद सेकंड में पूरी वारदात को अंजाम दिया और पीड़ित ने बताया कि बदमाशों गाड़ी रुकवा करके धक्का दिया और गाड़ी की जो चाबी है वो छीन ली, डिग्गी खोल करके उसमें रखा बैग लेकर के फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में अब जुटी हुई है। प्लास्टिक वेस्टेज गोदाम में ये भीषण आग लगी है, तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं मौके पर पहुंची हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो भीलवाड़ा के दादाबाड़ी की ये तस्वीर है जिसमें देखिए कैसे ये भीषण आग लगती हुई दिख रही है। और पाली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, एसबीआई बैंक का एटीएम लूटने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि गैस कटर से एटीएम काटने का प्रयास किया गया, सायरन बजने पर जो बदमाश है वो भाग निकले। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी कर दी है। सदर थाना क्षेत्र के सोनाई मांझी गाँव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पाली से ये जानकारी, जहां पर एसबीआई बैंक का एटीएम लूटने का प्रयास किया गया और बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी कर दी है। सदर थाना क्षेत्र के सोनाई मांझी गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एसबीआई बैंक का एटीएम लूटने का प्रयास बदमाशों ने किया। गैस कटर से एटीएम काटने की यहां पर कोशिश की गई, सायरन जैसे ही बजा वैसे ही बदमाश भागने लगे। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और नाकेबंदी भी करा दी गई है ताकि इनको पकड़ा जा सके। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये एसबीआई बैंक का एटीएम है जिसको लूटने का प्रयास किया गया है। और ये तस्वीर देखिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कैसे ये नकाबपोश जो बदमाश हैं वो एटीएम में घुसते हैं और इसको लूटने का प्रयास करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्याम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम, तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि कैसे ये लोग एटीएम के अंदर घुसते हैं उसको लूटने का प्रयास, लेकिन अब जिले भर में नाकेबंदी करा दी गई है, क्या जानकारी अब इनको पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, ये पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के सोनई मांझी गांव का मामला है, जहां पर देर रात 3:55 पर 2 कार में सवार होकर 2 लुटेरे सोनई मांझी के एसबीआई एटीएम के पास पहुंचे थे और कार में उतरते ही उन्होंने कैमरे से छिपने के लिए जो कैमरा लगा था उसके ऊपर ब्लैक स्प्रे कर दिया ताकि उनके चेहरे कैमरे में नहीं आए। उसके बाद ये लोग एटीएम में घुसे और एटीएम को काटने का प्रयास किया, लेकिन गलती से इनसे इनके हाथ से वायर कट गया जिसकी वजह से सायरन बजने लगे और सायरन बजने की वजह से ये लोग डरकर मौके से भाग गए। उसके बाद पुलिस को सूचना मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी अनिल विश्नोई मौके पर पहुंचे और पूरे जिले भर में नाकेबंदी करवाई गई है। पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है, नाकेबंदी भी करवा दी गई है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।